अस्सलाम वालेकुम, आतिफ बंगश अपनी 40th एपिसोड के साथ। और आज जो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वेब डिज़ाइनर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए और जो भी इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो अपनी वेबसाइट्स अपने ऑनलाइन बिजनेसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये टूल्स हैं जो कुछ मैं शेयर करूँगा। ये वो टूल्स हैं जिनके बगैर आप अच्छी वेबसाइट के रिजल्ट्स नहीं दे सकते। और क्योंकि ज़िंदगी जो है वो अब जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से दिन ब दिन फास्ट होती जा रही है, और जो यूज़र्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जिनको हमने अपनी सर्विसेज या अपनी जो प्रोडक्ट सेल करनी है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्लो वेबसाइट्स के ऊपर ब्राउजिंग करें, या उनको देर लगे कि वो अपनी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उन तक बहुत देर में पहुँचें या पहुंच ही ना सकें। तो आपको सबसे पहले तो नेविगेशन सिस्टम, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी डिज़ाइनिंग की वेबसाइट डिज़ाइनिंग की एपिसोड्स के हवाले से, वो भी ख्याल रखना है। सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपकी वेबसाइट का लोड टाइम कितना है। तो जो सबसे पहला टूल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप इस टूल की मदद से ये जान सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है, डाउनलोड स्पीड है, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में वो कितनी है। और ये बहुत अहम टूल है किसी भी वेब डिज़ाइनर के लिए, वेब डेवलपर के लिए, या कोई ऐसी कंपनी जो अपना बिज़नेस ऑनलाइन रन कर रही है। तो ये टूल है जो है, इसको हम कहते हैं tools.pingdom.com। ये वेबसाइट एक कंप्लीट एनालिसिस देती है आपको आपकी वेबसाइट के हवाले से कि आपकी वेबसाइट इस वक्त दुनिया के, इसमें 4-5 उन्होंने रीजन्स डिफाइन किए हुए हैं जिसमें उन्होंने पूरा जो ग्लोब है उसको कवर कर लिया है कि आप अपनी URL लिखिए, अपना जो आपका .com एड्रेस है वो लिखें, रीजन सेलेक्ट करें और सर्च करें। कुछ ही देर में ये आपको उसकी तमाम रिपोर्ट दे देगी, जिससे फ़ायदा क्या होगा, और इतनी डिटेल देगी कि आपको लोड टाइम, आपका जो स्क्रिप्ट है, कितने इतने रिक्वेस्ट भेजी, कितना टाइम लिया, किस चीज़ ने ज़्यादा टाइम लिया, किसने कम टाइम लिया, कहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की जो गुंजाइश है वो हो सकती है, इमेजेस कितना टाइम ले रहे हैं, स्क्रिप्ट्स कितना टाइम ले रहे हैं, जो आपका सर्वर है वो कितना टाइम ले रहा है, मुख्तलिफ रीजन्स में। आप हो सकता है कोई वेबसाइट आपकी जो है वो जैसे एशिया में अच्छा काम कर रही हो और यूरोप में अच्छा काम ना कर रही हो, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा काम ना कर रही हो, तो आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी हमारी कोडिंग में कोई ऐसा मसला है या स्क्रिप्टिंग में कोई ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से ये उन सर्वर्स में, या सबसे अहम चीज़ सर्वर जिसमें आपने वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है वो उन एरियाज़ में शायद सही परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये मुख्तलिफ एनालिसिस आपको कंप्लीट एनालिसिस भी देगा और सजेशंस भी देगा कि आप अपनी वेबसाइट के साथ क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं आप, जिनकी मदद से आप इसमें अपना लोड टाइम कम कर सकते हैं। और लोड टाइम आपने कम करना है, आइडियली आपकी वेबसाइट जो है, अब क्योंकि 4G है, 5G है, तो मोबाइल्स पे भी कोई भी वेबसाइट जिनमें कोई हैवी कंटेंट भी बेशक मौजूद हो वो भी कोई 3-4 सेकंड से ऊपर नहीं लेना चाहिए आइडियली। लेकिन क्योंकि हम आपको बताऊँ कि बड़ी कंपनियाँ जो कि अफोर्ड कर सकती हैं बड़े अच्छे सर्वर्स, जो रोबस्ट सर्वर्स हैं पूरी दुनिया में, उनको अफोर्ड कर सकती हैं, तो वो अपनी वेबसाइट्स को वहाँ पे होस्ट कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर कंपनियाँ इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हैं अपनी वेबसाइट्स पे, क्योंकि ज़्यादा जो कॉर्पोरेट वेबसाइट्स होती हैं उनमें सिर्फ पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं कि अपनी कंपनी के बारे में उन्होंने बताया हुआ होता है, तो उनको ये चीज़ बॉदर नहीं करती कि उनका वेबसाइट जो है वो स्लो खुल रहा है या फास्ट खुल रहा है या किस मीडियम पे उसकी क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन जो कंपनीज, जो ऐसे स्टार्टअप्स या कोई ऐसे जो टोटली जिनकी सेल्स, जिनकी बिजनेस ऑनलाइन हो, तो उनके लिए ये मामला बहुत ट्रिकी है और बहुत अहमियत रखता है। तो इस वजह से वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, कि उनकी वेबसाइट पूरे ग्लोब में नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर वो कोई लोकल कंपनी है लेकिन उनका टारगेट ऑनलाइन ही है, तो फिर उनको ये भी चेक करना है कि उनकी वेबसाइट जो है लोकल अपने उस शहर में, उस मुल्क में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है या अपने रीजन में, क्योंकि वेबसाइट मीन ग्लोबल। तो आपको मुख्तलिफ उसमें
रीजन्स में देखना है कि वो अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये टूल जो मैंने आपको बताया, ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है आपको, तो इसको अपने फेवरेट्स में डाल दें। और अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं तो डिज़ाइन करने के बाद अपनी वेबसाइट को इस पर ज़रूर टेस्ट किया करें, तमाम रीजन से, तमाम उससे, और फिर इसको एनालाइज़ किया करें कि कौन से ऐसे बॉटलनेक्स हैं जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट ज़्यादा टाइम ले रही है मुख्तलिफ ब्राउज़र्स में, और मुख्तलिफ उसकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, किस तरह नहीं। तो ये अहम टूल है। दूसरे टूल की तरफ चलते हैं। दूसरा जो अहम मसला होता है ना किसी भी वेबसाइट के लिए, वो अब है रिस्पॉन्सिवनेस। क्योंकि आपने देखा है कि जो अब वेबसाइट डेवलप हो रही हैं वो ज़्यादातर मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो तमाम जो यूज़र बेस है वो शिफ्ट हो गया है। तकरीबन 80% आपकी वेब स्क्रीन, आपकी मोबाइल स्क्रीन्स पर और टैब पर। अब जो उसमें नेविगेशनल स्ट्रेटजी वो डिफरेंट हो चुकी है। आप देखें कि जब आप डेस्कटॉप पे होते हैं तो आप क्लिक्स कर रहे होते हैं, आप जितने मर्जी क्लिकेबल लिंक्स दे दें, यूज़र उस पर एतराज़ नहीं करता। लेकिन जो मोबाइल इंटरफेस है, जो टैब इंटरफेस है, उसमें क्योंकि उसके पास माउस नहीं है, वो टच करेगा, क्लिक की जगह टच ले लेगा, और कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा पेजेस में नेविगेशन ना रहे, जो पेज वेबसाइट का खुला है उसी में उसको मैक्सिमम जो उसकी डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन वो चाहता है या प्रोडक्ट्स वो जो ढूंढ रहा है उसको उसी पेज पे सब कुछ मिल जाए। तो इसीलिए अब जब आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में ट्रेंड जो है वो सिंगल पेज वेबसाइट्स की तरफ आ गया, कि स्क्रॉल करने में उसको कोई हर्ज नहीं है। बस कंपनीज हमारे पास आती हैं, वो कहती हैं कि आपने इतना लंबा पेज बना दिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि लंबाई कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसने 80% इसने एक्सेस होना है उससे मोबाइल फ़ोन से, और वहाँ पे यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नीचे कितना स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन वो क्लिक नहीं करेगा। क्लिक करने में क्योंकि उसका लोड और टाइम लगेगा, नया पेज खुलने में और टाइम लगेगा, इतना टाइम उसके पास है नहीं, तो इस वजह से स्क्रॉलिंग पे से ज़्यादा घबराया ना करें, और पेज ज़रूर कोशिश करें कि जो कॉन्टेंट स्ट्रेटजी आप डिवेलप करेंगे वो एक ही पेज में इस सीक्वेंस से डेवलप करें कि यूज़र को तमाम चीज़ें वहीं पे मिल जाएं। शॉप्स भी अब आप देख रहे हैं कि जो शॉप्स की एप्स वगैरह मिलती हैं वो मैक्सिमम यूटिलाइज़ करते हैं उस स्क्रीन के हिसाब से। तो रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए जो टूल मैं आपके पास लेकर आया हूँ, तो वो आपने देखना है, bluetree.ai/screenfly, ये नोट कर लें। ये लिंक मैं दे रहा हूँ, इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, तो इसको चेक करें। ये जो है आपको मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, कस्टमाइज स्क्रीन्स और रिफ्रेश रेट और एवरीथिंग, ये आपको स्क्रीन बेस्ड इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के हवाले से मैक्सिमम दे देगा, जिसके बाद आप बिल्कुल मुतमईन होंगे कि आपकी वेबसाइट जो है वो मुख्तलिफ स्क्रीन साइज़ पर किस तरह बिहेव कर रही है, किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो ये टूल भी बहुत अहम है वेब डिज़ाइनर्स के लिए और वेब डेवलपर्स के लिए, और जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस करती हैं उनको ये पता होना चाहिए, उनके पास ये इल्म होना चाहिए कि उनकी जो वेबसाइट है वो मुख्तलिफ स्क्रीन साइज़ पर किस तरह अपने आप को एडजस्ट कर रही है। इसको टेक्निकली हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस, हाउ रिस्पॉन्सिव योर वेबसाइट इज़। तो इसको भी अपने फेवरेट में डाल लें आज से। तो कोई भी वेबसाइट हो उसको यहाँ पे चेक कर लिया करें कि वो मुख्तलिफ स्क्रीन्स पर क्या बिहेव कर रही है। तीसरा टूल्स जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, दैट इज़ थिंक विद गूगल। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टूल है। इसमें आपको आपकी वेबसाइट की एक तो, अगर आप स्ट्रेटजिस्ट हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, तो ये जो थिंक विद गूगल है ये आपको गुरु बना देगा ऑनलाइन बिजनेस का, ऑनलाइन मार्केटिंग का। अगर आप इसको रोज़ कुछ टाइम दें इस वेबसाइट पे, इसमें जितना कंटेंट मौजूद है, इसमें जितने टूल्स अवेलेबल हैं,
उनको पढ़ें, उनको थोड़ा सा टाइम, बिल्कुल इन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से गूगल ने कंटेंट स्ट्रेटजी से आपको एजुकेट किया है इस वेबसाइट में, कि आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने से कर रहे हों या उस पर काम कर रहे हों या करने वाले हों, तो आप इसको इसके ज़रिए उसको एनालाइज करते रहें। उस ये टूल्स भी हैं, इसमें इंफॉर्मेशन भी है, इसमें गाइड भी हैं, और जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है, ऑडियंस कहाँ से ढूंढें, आप ब्रांडिंग कैसे करें, आपकी यानी कि बेतहाशा आप इस पे, अगर मेरा ये चैलेंज है आपको कि अगर आप इस वेबसाइट पर रोज़ आधा घंटा लगाएं और किसी न किसी टूल को, जो इसके टूल्स हैं, उसको चेक करते हुए उसमें अपनी मुख्तलिफ वेबसाइट्स को चेक करें, जो आपका एक ही बिज़नेस है या आप डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं, जो मुख्तलिफ आपके पास कंपनीज आती हैं, तो इसके ज़रिए आप एनालाइज करें और उनको कंसल्टेंसी दें कि आपकी जो बिज़नेस है ऑनलाइन वो किस तरह का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और क्या उसका सही प्रैक्टिस क्या है। तो ये जो थिंक विद गूगल है, इसको भी आप फेवरेट में ऐड कर लें। और ये वो वेबसाइट्स हैं, ये तीनों चारों जो मैंने आपको बताई हैं, तीन ही बताऊँगा क्योंकि वरना वीडियो लोग मुझसे यही कहते हैं कि वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती हैं, तो मैं तीन टूल्स ही आपको बताऊँगा, बाकी फिर आएंगा अगले एपिसोड में बता दूँगा। अब ये सिलसिला जारी रखूँगा कि कोई जो मैं इस्तेमाल करता हूँ टूल्स वगैरह, या मैं सर्च वगैरह करता रहता हूँ जो मुझे अच्छे टूल्स मिलते हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर लिया करूँगा। तो ये तीन टूल आपने इस्तेमाल करने हैं, और इनसे जिस अगर आपको फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली होगा, अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें नीचे कॉमेंट्स में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आगे बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स में आपसे शेयर करने वाला हूँ, टूल्स हैं, तरीके हैं, वेबसाइट के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से। तो स्टे ट्यून्ड, अस्सलाम वालेकुम।